और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां कृषि कानून को एक साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन यानी 17 सितंबर 2020 को कृषि कानून लागू किया गया था। अब तक कानून को लेकर कई आंदोलन हुए और कई आंदोलन अभी भी जारी है। वहीं कुछ किसानों ने व किसान संगठनों ने कृषि कानून को समर्थन दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु सिंह ने बताया कि मेरा संगठन चिल्ला बॉर्डर पर बिल के विरोध में था, परंतु 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ, हमारे पुलिस भाइयों के साथ जो बर्बरता हुई, वह कानून में किसान बिंदुओं को संशोधित करने पर न मानकर कानून को रद्द करने के अड़जाने की वजह से बॉर्डर हम लोगों ने अब छोड़ दिया है। पहली बार किसानों के लिए एक ऐसे कानून का निर्माण किया गया जहां से बिचौलियों को दूर किया गया, और बिचौली ही इस देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो इसलिए भारतीय किसान यूनियन का समर्थन के लिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन भी यहाँ आया, और आकर के हमने यहाँ पे समर्थन दिया कि सवर्ण महासंघ फाउंडेशन भी चाहता है कि देश के हर क्षेत्र से बिचौलियों का अंत हो। इसी कानून को आज एक साल पूरा हो चुका है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु सिंह मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कृषि कानून को एक साल पूरा हो गया है, उस पर उनका क्या मानना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यस, कृषि कानून को एक साल पूरा हो गया है, क्या मानना है? कृषि कानून को एक साल पूरा हो गया है, कृषि कानून में जो कमियां होंगी उनका सुधार करवाने के बाद कृषि कानून जैसा का तैसा बना रहे। कृषि कानून को खत्म करने या कृषि कानून को वापस लेने की मांग मैं इसलिए नहीं करूंगा, उसमें हमारा तर्क है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाया, सुधार हो सकता है उसमें, जो भी कमी है उसका सुधार हो सकता है। कृषि कानून में आप कौन से सुधार चाहते हैं, कौन से संशोधन चाहते हैं? एक संशोधन ये चाहते हम कि किसान की फसल, किसान की उपज खरीद कर कोई सीमा नहीं रखी उसमें। यदि कोई उद्योगपति पूरे देश का गेहूं, चना, सरसों, तेल, धान खरीद के अपने भंडारों में रख दे 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, और जब कहीं रहे ना तब कह दे 300 रुपया किलो दूंगा, गर्ज पड़े तो खा ले बेटे, और न गर्ज पड़े तो मत ले, तो क्या करोगे? तो वो सीमा निश्चित होनी चाहिए। वन सुधार और सुधार सर क्या चाहते हैं, और कोई भी संशोधन चाहते हैं? और कोई नहीं चाहते। सर, आज आपने किन मांगों को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? हमने किसान आयोग का गठन किया जाए, किसानों को आजाद किया जाए, 75वां स्वतंत्रता दिवस निकल गया, अब किसान को आजाद करके, किसान आयोग का गठन करके, कर्जों को माफ करके किसानों को जिंदा रखने की इजाजत दी जाए और किसान को स्वतंत्र किया जाए। ठीक है सर, ये आपकी मांगे होंगे। इससे आने वाला आपने 3 अक्टूबर को अपना धरना है आपका, तो धरना नहीं है, धरना तो किसी अधिकारी के, किसी सरकार के खिलाफ होता है। इमलिया उमरगढ़ पे, इमलिया उमरगढ़ तहसील टूंडला जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में विशाल किसान महापंचायत 3 अक्टूबर को बुलाई गई है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार। हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 पे है किसान आयोग में